now again I come back in front of you guys. So today I will be discuss about these spoken classes with my students के साथ. आज हम लोग बहुत ही क्लियर ढंग से डिस्कस करने वाले हैं और कुछ हम लोग सेंटेंस रखे हैं, मैं चूज करके रखा हूँ कि ये स्टूडेंट क्या हमारा इनका जवाब ये दे पाएंगे अथवा नहीं दे पाएंगे. चलिए बहुत ही आसान ढंग से हम लोग पूछने वाले हैं. एक्चुअली ये तो बहुत हार्ड है, तब फिर भी आई विल ट्राई टू आस्क हिम. और चलिए स्टार्ट करते हैं. आर यू रेडी स्टूडेंट्स? यस वी आर रेडी, तैयार हैं. चलिए एक एक स्टूडेंट से हम लोग पूछते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और चारों तरफ से हम लोग आज बोलते हैं. चलिए कोई भी चीज होना जरूरी है, करना जरूरी है. इट्स अ मस्ट. या इट्स अ मस्ट, कोई भी चीज करना आसान होना और जरूरी होना इट्स अ मस्ट बोलते हैं. चलिए आप ये बताइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मैं आई. देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब बच्चे माइक पे आते हैं, कैमरा के सामने आते हैं, तो बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, भूल जाते हैं, वे भी जानते हैं. चलिए वेरी गुड, मैं आई कमिंग सर. ओके चलिए, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर? क्या मैं बैठ सकता हूँ सर? मैं आई सिट डाउन सर. ओके क्या मैं खड़े हो सकता हूँ सर? ओके सर प्लीज आप बैठ जाइए. प्लीज टेक योर सीट बोलिए. वेरी गुड. चलिए इसे हम पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज नीतू. इधर से अभी इधर घूम के बोलिए, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज नीतू कुमारी. हर नेम इज नीतू कुमारी. सो नीतू कुमारी यू टेल मी. चलिए मैं इनसे छोड़ो जाने दो, जो जो हो गया सो हो गया. लेट मी यार ये की आज कैसे छोड़ो जाने दो. कोई भी चीज जरूरी नहीं है. इट्स नॉट अ मस्ट. इट्स नॉट अ मस्ट, कोई भी चीज़ जरूरी नहीं होना इट्स नॉट अ मस्ट बोलेंगे. चलिए आप लोग पूछते हैं, मुझे पूछने दीजिए. लेट मी आस्क. लेट मी आस्क. चलिए एक और पूछते हैं, समझदार को इशारा ही काफी है. और नॉट टू वाइज. चलिए वेरी गुड. चलिए आगे. अच्छा ये हमारे न्यू स्टूडेंट है, ये मेरी बच्ची. हम ऐसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज योर नेम? हाँ हर नेम इज रूपा कुमारी. वेरी गुड. Yes, Pramod Kumar, इधर आइए. What is your name? My name is Pramod Kumar. His name is Pramod Kumar. So, Pramod Kumar, मैं कुछ आप लोग से पूछने वाला हूँ. चलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो. Do your best, forget the rest. Do your best, forget the rest. Very good, very good. चलिए मुझे ये बताओ कि एक दिन में कुछ नहीं होता, मगर एक दिन जरूर होता है. Rome is not guilty in a day. Rome is not guilty in a day. Very good. आप ये बताओ, मैं भूखा हूँ. तुम कर सकते हो. You can do it. हम लोग कर सकते हैं. We can do it. वेरी गुड वेरी गुड. चलिए इनसे हम लोग कुछ पूछते हैं. आज नवीन कुमार, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज नवीन कुमार. हाँ हिज नेम इज नवीन कुमार. नवीन कुमार से बहुत ही आसान चीज हम लोग पूछने वाले हैं. चलिए मौज मस्ती करते हैं. चलिए हैव अ ब्लास्ट. हैव अ ब्लास्ट बोलते हैं. चलिए हम लोग जैसे धूम धड़क, चलिए धूम धड़का करते हैं. हैव अ ब्लास्ट. हैव अ ब्लास्ट बोलते हैं. कभी भी हम लोग अक्सर बोलते हैं कि चलिए धूम धड़का करते हैं, मौज मस्ती करते हैं. लेट्स गो हैव अ ब्लास्ट. वेरी गुड. चलिए इनसे हम लोग पूछते हैं, सोनू कुमार व्हाट इज योर नेम? हाँ हिज नेम इज सनु कुमार. सनु कुमार से ही बहुत आसान चीजें हम लोग पूछने वाले हैं. तो कौन सा ऐसा पूछूं ताकि ये बोल ना पाए, कहीं नजर न लगे? टच वुड. अरे वाह, मैंने सोचा था बोल ना पाए लेकिन बोल दिया टच वुड. हाँ हम लोग बोलते हैं अक्सर कि कहीं नजर न लगे तो टच वुड का प्रयोग करते हैं. चलिए एक और बहुत ही हार्ड में पूछने वाला हूँ, आपके अंदर भगवान दिखता है? फंस गया, देखिए ना फंस गया. चलिए इससे मैं पूछता हूँ, आपके अंदर भगवान दिखता है? आई सी गॉड इन यू. आई सी गॉड इन यू. चलिए मैं इनसे दूसरा कुछ और पूछ लेता हूँ ताकि ये जवाब दे पाए. ठीक है, दिल पर मत लो. माय हार्ट इज ब्रोकन. नहीं 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 नहीं. अच्छा दिल पर मत लो. ये भी फंस गया.
दिल पर मत लो। चलिए कोई बात नहीं है, इधर आ जाओ, इधर आओ, उधर कहाँ भाग, इधर हरीश कैमरा उधर है, कैमरा उधर है, इधर रहो। हाँ ये जवाब नहीं दे। अच्छा देखो आगे आगे देखो क्या होता है। वेरी गुड, देखो आगे आगे क्या होता है। हम लोग अक्सर बोलते हैं देखो आगे आगे क्या होता है, इन्होंने जवाब दे दिया। सी व्हाट हैपेंस बाय एंड बाय बोलते हैं कि आगे आगे देखो क्या होता है। ठीक है चलिए मैं इनसे कुछ पूछ लेता हूँ। अच्छा बीत गए वो दिन, गोन आर द डेज बोलते हैं। यस वेरी गुड, इन्होंने जवाब दे दिया बहुत ही सरल भाषा में। बीत गए वो दिन क्या बोलेंगे, गोन आर द डेज। वेरी गुड चलिए हम लोग। अच्छा ये बताओ मेरा दिल टूटा हुआ है। माई हार्ट इज ब्रोकन। जल्दीबाजी मत करो, इधर आओ, जल्दीबाजी मत करो, अगर जल्दीबाजी करोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। All in vain. मैं स्कूल जाता हूँ। I go to school. भूल कैसे जाता है रे? मारूंगा। मैं स्कूल जाता हूँ। I go to school. तो सर इनसे मैं कुछ और ज्यादा स्टूडेंट से पूछने वाला हूँ, थोड़ा टेंसेस के ऊपर, ठीक है ना। कुछ सेंटेंसेस बनवाता हूँ, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में। देखते हैं क्या ये जवाब दे पाएंगे, सरल भाषा में नहीं दे सकता। चलो मैं काम करता हूँ। आई वर्क। चलो मैं काम करता, आई डू वर्क, आई वर्क करता हूँ, ठीक ना। तो आई वर्क भी मैं काम करता हूँ। वेरी गुड, आई डू वर्क, आई डू वर्क। चलो क्या मैं काम करता हूँ, डू आई वर्क। यस हाँ सर मैं काम करता हूँ। यस सर आई डू वर्क। नहीं सर मैं नहीं काम करता हूँ। नो सर आई डोंट वर्क, आई डोंट डू वर्क। ओके वेरी गुड, आई डोंट वर्क। चलो मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम राइटिंग, I am studying. I am studying. हम लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो I am studying. Studying. चलो मैं दारू पीता हूँ। I drink wine. I drink wine. क्या तुम दारू पीते हो? Do I drink wine? हाँ सर मैं दारू पीता हूँ। Yes sir, I drink wine. नहीं सर मैं दारू नहीं पीता हूँ। No sir, I don't drink wine. मेरा भाई दारू पीता है। My brother drinks wine. My brother drinks wine. मैं दारू पी रहा हूँ। I am drinking wine. मैंने दारू पी लिया है। I have drunk wine. Very good. Clapping करो। मैंने जवाब दिया। अब आप प्रमुख कुमार से भी कुछ पूछते हैं इधर sentences। हाँ पूछते हैं। इससे भी कुछ sentences हम लोग पूछ लेते हैं। तो ये बताइए कि हम लोग कुछ sentences पढ़ते हैं simple tense। अरे इधर रहो ना रे। पीछे उधर उधर पीछे रहोगे तो सब आओगे। अब ये बताओ इसके ऊपर भी हम लोग पूछने वाले हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ। I am a student. तुम एक स्टूडेंट हो। You are a student. मैं पढ़ रहा हूँ। I study. तुम पढ़ते हो। You study. मैं पढ़ रहा हूँ। I am reading book. मैं पढ़ रहा हूँ। I am reading. हाँ I am reading या I am studying, ठीक है। चलो मैंने पढ़ लिया है। I have written. हाँ नहीं I have written का मतलब मैंने लिख लिया, पढ़ लिया। तो पढ़ना का मतलब क्या होता है? मैंने पढ़ाई कर लिया, ठीक है। चलो मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? एम आई गोइंग टू स्कूल। हाँ एम आई गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल चला गया। आई हैव गोन टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँ। आई हैव गोन टू स्कूल। हाँ मैं स्कूल पहुँच गया। आई हैव गोन टू स्कूल। तो देखो I have reached भी बोल सकते हैं। reached का मतलब होता है पहुंचना, मैं पहुंच गया स्कूल। I have reached स्कूल। I have reached to स्कूल। I have reached डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेजेंड छूट गया। ओके तो कौन छूट गया है, छूटा कौन है? ये छूट गया है। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अशोक कुमार। हां हिज नेम इज अशोक कुमार है, इसका नाम अशोक कुमार है। ये न्यू स्टूडेंट है, तो दो चार दिन हुआ है, तो इनको हम अलग क्लास अभी दे रहे हैं। चलिए आप बताओ संडे का इंग्लिश के लिए बता दो। S-U-N-D-A-Y. अच्छा वेडनेसडे का बता दो। W-E-D-N-E-N-D-A-Y. वेरी गुड। जनवरी का बता दो। J-A-N-U-A-R-Y. वेरी गुड, इन्होंने जवाब बहुत से दे दिया है। और कौन छूटा है? इधर अभिषेक आ जाओ। अभिषेक से भी हम लोग कुछ सेंटेंसेस पूछने वाले हैं, ये भी कुछ हमारे क्लास किए हैं और ये भी आई होप अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे। चलो अभिषेक मैं एक लड़का हूँ। I am a boy. तुम एक लड़के हो। You are a boy. Very good. मैं पढ़ता हूँ। I study. I read का मतलब भी पढ़ना होता है, पढ़ाई करना, ठीक ना। चलो तुम पढ़ते हो। You study.
ओके, तुम पढ़ाई करते हो, तुम पढ़ते हो, आई स्टडी, ठीक है। चलो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई गो टू दिल्ली। आई एम गोइंग टू दिल्ली। आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू दिल्ली। दिल्ली जाते हो। यू गो टू दिल्ली। वेरी गुड। इन्होंने सबने बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दिया है, तो आशा है आप वीडियो में एंजॉय कर रहे होंगे और ऐसी वीडियो हमारा देखते मिल रही है लास्ट तक, दिन तक हमेशा, और ऐसे वीडियोस में हम लोग मिलेंगे। और हमारे वीडियो को क्या करना है बोलिए सब कोई, लाइक सब्सक्राइब शेयर करनी है। शो लेट्स कॉल इट अ डे आज के लिए।